ओले बरसाने वाला लड़का। अर्जुन का परिवार आज प्रीतमपुरा गांव में अपना सामान लेकर आया था। अर्जुन, घर के आसपास ही खेलना, ज्यादा दूर मत जाना। अगर इस गांव के लोगों को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया तो फिर हमें गांव बदलना पड़ेगा। अर्जुन कभी कभी दुकान पर सामान लेने जाता तो गांव के लड़के उसे अजीब तरह से देखते, क्योंकि अर्जुन हमेशा काला चश्मा पहने रहता और सिर पर एक छाता लगाए रहता। गांव में लल्लन नाम का एक बदमाश लड़का रहता था। लल्लन को दूसरों को सताने में बहुत मजा आता था। यार, गांव में जो नया लड़का आया है ये हमेशा काला चश्मा और छाते के साथ रहता है, चक्कर क्या है? उसका नाम अर्जुन है। उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी को बताया था कि उसकी आंखों में धूप से कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो हमेशा चश्मा लगाया रहता है और छाता टांगे रहता है। कुछ भी हो, मुझे एक बार उसका चश्मा और छाता हटाना जरूर है। बहुत दिनों से कोई मजा नहीं किया। एक दिन जब अर्जुन दुकान से सामान लेकर लौट रहा था तो लल्लन चुपचाप एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। जैसे ही अर्जुन पेड़ के नीचे से गुजरा, लल्लन ने ऊपर से उसका छाता खींच लिया। मेरा छाता वापस करो। कौन हो तुम? मेरा छाता क्यों ले लिया? मैं इस गांव का दादा हूँ। मेरी मर्जी के बिना यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन के लिए मुझे अपना चश्मा दे दो। नहीं, मैं अपना चश्मा तुम्हें नहीं दे सकता। तुम दे सकते हो या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं इसे तुमसे लेकर ही रहूँगा। लल्लन अर्जुन का चश्मा छीनने पेड़ से नीचे कूदा, लेकिन अर्जुन वहाँ से भाग गया। लल्लन ने उसका पीछा किया। अर्जुन ने गांव का रास्ता नहीं देखा था। वह थोड़ी देर तक भागकर एक घर में जा घुसा। लल्लन नाम का एक लड़का मेरा चश्मा छीनना चाहता है, प्लीज मेरी मदद करो। तुम बक्से के पीछे छुप जाओ। लल्लन ने घर का दरवाजा खटखटाया। क्या बात है, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? पिंकी, क्या तुम्हारे घर में कोई लड़का घुसा है? नहीं, जाओ यहाँ से। लल्लन जब चला गया तो पिंकी अर्जुन से बोली, तुम बाहर आ सकते हो, लल्लन जा चुका है। तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम जिस दुकान से सामान खरीदते हो वो मेरे पापा की दुकान है। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम हमेशा चश्मा क्यों पहने रहते हो? अगर मेरी आंखों पर सूरज की किरणें पड़ जाए तो बहुत बड़े बड़े ओलों की बारिश होती है। मेरी इस समस्या की वजह से मेरे मम्मी पापा कई गांव बदल चुके हैं। जहाँ भी एक बार मेरी वजह से ओलों की बारिश हुई, वहाँ के लोगों ने हमें गांव से निकाल दिया। अगर यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ तो हमारा परिवार यहाँ भी नहीं रह पाएगा। ये कैसी अजीब बीमारी है, ये तुम्हें कब से है? जब से मैं पैदा हुआ तब से है। एक जादूगर ने मुझे ये चश्मा और छाता दिया था, वरना मेरा इस पृथ्वी पर कहीं भी रहना मुश्किल हो जाता। मेरे पापा की गांव के मुखिया से जान पहचान है, मैं उनसे बात करूंगी। तुम घर जा सकते हो, लल्लन जा चुका है। लल्लन गया नहीं था, वह दरवाजे के पीछे छुप गया था। जैसे ही अर्जुन बाहर निकला, लल्लन ने पीछे से उसका चश्मा उतार दिया। सूरज की किरणें अर्जुन की आंखों पर पड़ी और पूरे गांव में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओलों का आकार थाली से लेकर कुएं जितना बड़ा था। ये कौन सी आफत आ गई? लल्लन चश्मा फेंक कर भाग जाता है। चश्मे के ऊपर एक बड़ा ओला गिरा और चश्मा चूर चूर हो गया। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों के घरों की छत पर बड़े बड़े छेद हो गए थे। सब लोग मदद के लिए मुखिया के घर भागने लगे। मुझे अंधेरी कोठरी में जाना होगा, वरना ओलों की बारिश रुकेगी नहीं। अर्जुन दौड़ता हुआ अपने घर गया और एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में बंद हो गया। तब ओलों की बारिश शांत हुई। लल्लन ने गांव के मुखिया को बता दिया कि ये सब अर्जुन नाम के लड़के की वजह से हो रहा है। तभी पिंकी वहां पहुंची और पिंकी ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, ये सब उस लड़के की वजह से नहीं, लल्लन की वजह से हो रहा है। इसी ने उसका चश्मा जबरदस्ती छीना था। पिंकी मुखिया और गांव वालों को सारी बात बता देती है। लल्लन, जब तुम्हें पता था कि उस लड़के को ऐसी समस्या है तो तुमने उसका चश्मा क्यों छीना? ओलों की बारिश के लिए वो लड़का नहीं, तुम जिम्मेदार हो। गांव के लोगों का
ओलों से जो नुकसान हुआ है तुम्हारे पिताजी उसकी भरपाई करेंगे। मुखिया और पिंकी अर्जुन के घर पहुँचे। मुखिया जी, अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन आप हमें गांव से ना निकालें। हम गांव बदल बदल कर थक चुके हैं। मैं आपकी समस्या समझता हूँ। पिंकी ने मुझे सब बता दिया है। गलती आपके बेटे की नहीं थी, ये सब लल्लन की शैतानी की वजह से हुआ है। अर्जुन इस समय कहाँ है? वो अंधेरे कमरे में बंद है, अभी उसका वहीं रहना सही है। मैं टबोला नाम के एक जादूगर को जानता हूँ, शायद वो अर्जुन की कुछ मदद कर पाए। अर्जुन की आंखों पर मोटी पट्टी बांधकर उसे टबोला जादूगर के पास ले जाया गया। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन मैं एक बार गांव में गया था तो मैंने तुम्हें पहले भी एक चश्मा दिया था। मैं आपको अभी देख तो नहीं सकता, लेकिन मुझे आपकी आवाज ध्यान है। उस समय हम चमचापुर गांव में रहते थे। जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों से अर्जुन को एक नया चश्मा और छाता बनाकर दे दिया। हीरालाल अपने गांव का सरपंच था। उसकी दो बेटियां थीं, करिश्मा और रवीना। बड़ी बेटी करिश्मा हमेशा एक कमरे में बंद रहती थी। रवीना, तेरी बड़ी बहन चुड़ैल है क्या, जो हमेशा घर में बंद रहती है? रवीना को जब गांव की लड़कियां चिढ़ाती तो वह अपने माता पिता से जाकर कहती, माँ, पिताजी, करिश्मा मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? आप उसे स्कूल भी नहीं भेजती, मुझे रोजाना स्कूल जाना पड़ता है। आखिर वह हमेशा कमरे में बंद क्यों रहती है? गांव वाले कहते हैं कि वो चुड़ैल है। करिश्मा चुड़ैल नहीं है बेटी, तुम बाहर जाकर खेलो। करिश्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो कमरे में बंद रहती है। रवीना जब चली जाती है तो हीरालाल की पत्नी हीरालाल से कहती है, इस तरह कब तक हम करिश्मा को बंद करके रखेंगे? आज नहीं तो कल लोगों को उसकी असलियत पता चल ही जाएगी। बेहतर होता कि मैं उसे पैदा ही न करती। जो हो चुका है उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं। मीनापुर गांव में जादूगर बाबा रहते हैं, शायद वो कुछ कर पाए। कल मैं करिश्मा को उन्हीं के पास लेकर जाऊंगा। अगले दिन हीरालाल करिश्मा को लेकर जादूगर के पास पहुंचता है। क्या समस्या है बेटा, इस लड़की के हाथ क्यों बांध रखे हैं? समस्या ये है बाबा जी कि ये लड़की जिस चीज को छूती है वो बर्फ बनकर जम जाती है, इसलिए डर के मारे हमें इसे कमरे में बंद करके रखना पड़ता है। गांव में इसने किसी इंसान को छू लिया तो वो बर्फ बन जाएगा। बेटा, मैं इसके हाथ तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जोड़ी दस्ताने देता हूँ। अपनी बेटी को ये दस्ताने पहना दो, ये जमेंगे नहीं। इन्हें पहनने के बाद ये घर से बाहर निकल सकती है। करिश्मा दस्ताने पाकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अब वह किसी भी चीज को अपने हाथों से पकड़ सकती थी। बेटी, तुम बाहर घूम सकती हो, लेकिन अपना राज किसी को मत बताना, वरना लोग तुमसे डरकर भागेंगे, या हो सकता है कोई तुम्हारा गलत फायदा उठाने की कोशिश करे। करिश्मा अपनी छोटी बहन के साथ खेलने लगी। उसने बाजार जाकर घूमना फिरना भी शुरू कर दिया। कोई दस्तानों के बारे में पूछता तो वह कह देती कि हाथ गंदे ना हो इसलिए दस्ताने पहनती है। सरपंच की बड़ी बेटी को बचपन से किसी ने नहीं देखा था। जब वह बाहर निकलने लगी तो लोग उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध रह गए हैं। वैसे गांव में भूरी की सुंदरता के चर्चे होते थे, लेकिन अब सब लोग करिश्मा के बारे में चर्चा करने लगे। सरपंच की बड़ी बेटी देखी, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। अपने हाथों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए दस्ताने पहनती है। भूरी को गांव के लोगों की बात सुनकर बहुत चिढ़ होने लगी। हाथों की सुंदरता के लिए दस्ताने पहनती है, कहीं ऐसा तो नहीं हाथों की बदसूरती छुपाने के लिए दस्ताने पहनती हो? इसके दस्ताने तो मैं उतरवा कर रहूंगी। भूरी का जन्मदिन आने वाला था। वह अपने जन्मदिन की दावत देने करिश्मा के घर पहुंची। करिश्मा, कल रात मेरे जन्मदिन की पार्टी है, तुम जरूर आना। हाँ, तुम आओगी ना? देखो, मना मत करना प्लीज। ठीक है, मैं आऊंगी। रात में करिश्मा भूरी के घर पहुंची।
भूरी ने केक में पहले से ही कुछ मिला दिया था। करिश्मा ने केक खाया तो वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके दस्ताने गायब थे। मेरे दस्ताने कहाँ गए? करिश्मा दस्ताने ढूंढने के लिए रूम में रखी अलमारी खोलती है। जैसे ही वह अलमारी को छूती है, अलमारी जम जाती है। वह दरवाजों पर हाथ मारती है, दरवाजा बर्फ बनकर जम जाता है। करिश्मा खिड़की से कूद कर बाहर जाती है। कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही हो? हाँ, मैं इन्हें ही ढूंढ रही हूँ। मेरे दस्ताने वापस करो। नहीं करूँगी, मेरे दस्ताने वापस करो, वरना मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगी। नहीं दूंगी, तू ऐसे ही घर जा। करिश्मा अपने दस्ताने लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, भूरी अपने हाथ पीछे कर लेती है। करिश्मा के हाथ भूरी को छू लेते हैं, भूरी बर्फ बनकर जम जाती है। गांव की एक औरत यह सब देख रही थी। करिश्मा, ये तूने क्या किया? औरत चिल्लाने लगी, सुनो सुनो गांव वालों, करिश्मा चुड़ैल है, उसने भूरी को जमा दिया। करिश्मा को वहां से भागना पड़ता है। भागते भागते वह जंगल पार करके नदी किनारे पहुंच जाती है। वहां उसे एक लड़का मिलता है। क्या तुम्हें नदी पार करनी है? अगर तुम चाहो तो मेरी नाव में बैठ सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी नाव में बैठ जाती हूँ, लेकिन मुझसे दूर रहना, क्योंकि मुझे एक अजीब बीमारी है। तुम क्या करते हो? मेरा नाम बबलू है, मैं शहर से बर्फ लेकर आता हूँ और गांव में बेचता हूँ। तुम्हें क्या बीमारी है? मैं जिस भी चीज को छूती हूँ वह बर्फ बन जाती है। अच्छा, तो ये बात है। खैर, तुम्हें इस बीमारी को अभिशाप नहीं समझना चाहिए। लड़का एक बाल्टी में पानी भरता है और करिश्मा से पानी में उंगली डालने के लिए कहता है। करिश्मा जैसे ही पानी में उंगली डालती है, पानी बर्फ बन जाता है। यदि तुम चाहो तो तुम मुझसे विवाह कर सकती हो। तुम इसी तरह बर्फ जमाना और मैं बर्फ बेचूंगा, इस तरह मेरा खर्चा बच जाएगा। लेकिन मेरे दस्ताने मेरे गांव में ही रह गए हैं और मेरे माता पिता भी मेरी चिंता कर रहे होंगे। तुम चिंता मत करो, तुम एक पत्र लिख दो, मैं वो तुम्हारे माता पिता तक पहुंचा दूंगा और तुम्हारे दस्ताने तुम्हारे गांव से वापस ले आऊंगा। करिश्मा एक पत्र में लिख देती है कि वह नदी किनारे एक गांव में सुरक्षित है और विवाह करने वाली है। बबलू पत्र ले जाकर उसके माता पिता को पहुंचा देता है। चलो अच्छा हुआ, बेटी सही सलामत तो है। बबलू दस्ताने लेकर करिश्मा के पास लौट जाता है। करिश्मा और बबलू विवाह कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।